हमारे मूर्तिकार धनराज भगत की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी के डीजी अद्वैत करनायक जी, आइए उनसे बात करते हैं। करनायक जी, अगर इस प्रदर्शनी का ध्येय देखें, क्या उद्देश्य, कितने बड़े मूर्तिकार थे धनराज भगत, उसको प्रदर्शित किया? उसका एक्चुअली एक एक लाइन उसका भाव सब सोच सकते कि वो किस लेवल का व्यक्ति थे। उनका टाइटल हमने जैसे रखा है कि फिजिकल टू द स्पिरिचुअल, एक्चुअली एक जो कनेक्ट टू द सुप्रीम पावर का साथ, एक आर्टिस्ट का जो मेन एम होता है कि मैं किस कैसे वो सोसाइटी को लेके, अकेला नहीं है, सारे काम आप देखेंगे कहाँ फैमिली का साथ, कहाँ फिजिकल फॉर्म में सारी वो ड्राइंग डेवलप कर रहे हैं और किस तरीका वो रूट को टच कर रहे हैं, कहाँ से हम शुरुआत किए, कभी अजंता चल रहे हैं, कभी ओडिशा जा रहे हैं, कभी वो बेसिक चीज़ को पकड़ रहे हैं, रूट से उसको डेवलप कर रहे हैं, फिर उसको एक फॉर्म जो कि विजुअलाइज करेगा, एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को ले लेता है। तो उस तरीका सारे उसका काम आप एक एक रूम से देख सकते, जैसे कि आप देखना नहीं है, उसको फील भी कर सकते, उसको टच भी कर सकते, उसको एम्ब्रेस करना लगता है कि नहीं कितना पावरफुल व्यक्ति है वो, जो वो बोलता नहीं था लेकिन उसको आप प्रॉपरली फील कर सकते हैं। इस शो में हम उस तरीके भी डिस्प्ले किए, फ्रंट से आप देखेंगे कि इतना बड़े स्ट्रक्चर हम बनाए। सर, जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर हम धनराज भगत सिंह के, धनराज भगत के काम को अगर हम फील करना चाहें तो उसके लिए किस किस तरीके की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं? एक्चुअली जब काम आप देखते हैं ना अंदर से, वो जो आनंद होता है ना वो उसे देखने से, कभी हम मंदिर भी जाते हैं ना उसका सामने बहुत बड़ा गेट होता है ना, वैसे देखते हैं जो आता है वो छोटा सा टाइम के लिए आता है ना, लेकिन वही उसका सब कुछ, जब वहाँ पब्लिक की एंट्री करते हैं वो जो भाव होता है ना सारे का, वो धीरे धीरे तो हम आगे रहते हैं कि कहाँ सभागृह वगैरह जैसे कि पंडित लोग चर्चा करते हैं, फिर कहाँ नाट्य मंडल होता है, डांस थिएटर लास्ट में, उसी हिसाब से हम उसमें सारी बात कि एक आर्टिस्ट कैसे वो इमेजिन कर रहे हैं और कैसे हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे देखने से लगता है वाह सचमुच वो कनेक्ट कर रहे हैं, उसका ड्राइंग उसका फॉर्म वो जो वो फील कर सकते कि कहाँ आप जैसे कि आवाज़ होता है तो आप जिस जान जैसे प्योर बात करते हैं ना रुद्र प्रयाग कुछ बात करें वो बात आपको लगेगा इधर इधर जाने से फील कर सकते हैं, तो ये सारी ड्रॉइंग उसका दोनों तरफ कुछ भी पेपर लेना है उसका दोनों तरफ काम करना उसको कैसे हम नहीं मतलब काम इस तरह हम आगम कहाँ तक हो सकता है, तो इसलिए हम दोनों तरफ पब्लिक उसको अंदर जाए बाहर जाए फील कर सकते, कभी वो उसका ऊपर भी जाके देख सकता है, तो इस तरह हम उसके तो सर जैसे ये डिस्प्ले हो गया, इसके अलावा अगर हम दूसरी जगहों की अगर बात करें तो किस किस तरीके की चीज़ें हैं, अगर धनराज भगत के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए जो इससे पब्लिक कनेक्ट करें, आर्टिस्ट कनेक्ट करें। जैसे अभी बता रहे थे कि वो शिव जी का तांडव, यहाँ पर महाकाल भी है, आप देखेंगे कि वो जो उनका फॉर्म है ना बहुत लीनियर फॉर्म, वो इससे मस्कुलर इस तरह का देखिए ना कितना सिंपल सा लाए हैं, शिव जी का डांस आप देख रहे हैं शिवा डांस, तो वो नवराज कहाँ से आ रहे हैं आप देखिए ना, मंदिर का डर वहाँ अजंता अजर का डर आपको मजा आ रहा है, कैसे कैसे वो सिंपल फॉर्म देते हैं वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, जब एक एक फॉर्म को वो इतना प्योरीफाइड करते थे कि कहाँ वो लिंक हो रहा है, जो इसमें भी आप वो सारे देख सकते कि नहीं कहाँ थोड़ा लाइट का आवाज भी आ रहा है, सारी उसका डिस्प्ले भी ऐसा है, तो ये जो है ये स्कल्पचर धनराज भगत का बनाया हुआ। हाँ धनराज सर, अगर हम यहाँ पर देखें तो वो उसको ड्राइंग भी की गई है उसको, ये धनराज भगत के हाथों के ही किए हुए हैं सारे। हाँ ये बेसिक जो मैं बता रहा था ना, जहाँ वो रूप से कनेक्ट कर रहे थे एक चीज को कैसे वो डेवलप किए, ये ऑरिजिनल फॉर्म है जो कि फिर धीरे धीरे कैसे एक पूरा लीन फॉर्म जो कि आप मर्ज लीन हुआ है ना, तो सारा चीज़ उनका काम है आप देख सकते वो फील उसमें। सर इसके अलावा यहाँ पर वहाँ पर जो महाकाल देख रहे हैं, एक्चुअली ये आर्टिस्ट वो सेपरेट जब हो रहा था ना इंडिया पाकिस्तान ये लाहौर से,
सारे मुंह में उनका दिखाई जो सामने दिख रहा है सामने जो देख ये महाकाय तो किस तरीके का वो हमारे माइक्रोलॉजी को लेके वो सारे काम प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा तो मतलब ये भारत पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ उसका हाँ सॉरी उसका कहीं ना कहीं इसमें जो है चीजों को दिखाया गया किस तरीके से जैसे महाकाल जो है खा रहा है। तो अच्छा ये कब बनाई गई है? अच्छा ये 1958 में। सर यहाँ पे क्या दिखाया गया है ये सारी चीजें? ये एक्चुअली कभी कभी बहुत शांत हो जाता है सर म्यूजिक का देखिए वो भी लिलियन फॉर्म है कभी म्यूजिक का साथ वो शायद अकेला ज़्यादा टाइम बैठते थे और उसको फील करते थे लेकिन किसी को बोलते नहीं थे तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए उस सारी फॉर्म जो म्यूजिक का आप देख रहे हैं वो उसी के अंदर वो घूमते थे और उसको अपना अंदर ही सारी डाइजेस्ट करते थे तो वो जो फीलिंग है ना वो सारी काम आप देख सकते। तो सर जैसे अगर हम धनराज भगत की बात करते हैं तो इसके अलावा उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई किस तरीके से और उनके गुरुजी कौन थे जिन्होंने उनको ये सारी चीज़ें सिखाई? देखिए धनराज भगत उस टाइम लाहौर में स्कूल था जो न्यू आर्ट स्कूल तो वहाँ पर उनका टीचर था लेकिन मेरे को इतना पता नहीं लेकिन उस टाइम सारे तीन सारे स्कूल इंडियन वर्ल्ड था जैसे मद्रास मुंबई हाँ लाहौर इस टाइम ज़्यादातर टीचर वो बाहर से आते थे ब्रिटिश का टाइम सारे स्कूल है तो मेरे को लगता है कि उनका टीचर सारे उस टाइम डिप्लोमा होता था और उस टाइम सर बाहर से टीचर आते थे और कुछ टीचर तो इंडियन होंगे लेकिन इनका काम में ज़्यादा इंडियन है सर आप सारे काम आप देख रहे हैं लेकिन उनका जो स्मेल उनका जो फ्लेवर जो कुछ आप देख रहे काम में पूरा भारतीय अच्छा मतलब तमाम चीज़ों को जो है दिखाया गया है कि किस तरीके अब खासतौर पर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जो है ज़्यादा रिलेवेंट है पूरा मतलब वो निचोड़ करके जो निकलता है ना कभी कभी ऐसे होता है ना सारा चीज़ देखने का पार्ट वहाँ से अमृत निकालता है ना उस तरीके का पूरा निचोड़ के जो चीज़ वो दिखाना चाहता है पूरा यहाँ काम में फील कर सकते और जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाता है वो तो ऊपर सर अगर हम इसके अलावा और कोई जो है स्कल्पचर जो आप दिखाना चाहेंगे और तो एक्चुअल स्पिरिचुअल का बात कर रहा था और थोड़ा एक्चुअली यहाँ पर तो हम थोड़ा जो तांडव शिव जी जो एक स्टेज में ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ धरती में पांव रखते हैं वहाँ आग निकालता है अच्छा तो ही तांडव तो वहाँ पर लाइट भी ऐसे है लेकिन अभी शायद प्रॉपर काम नहीं कर रहे लेकिन इस तरह अच्छा। हम जो एक्चुअली जो वो ट्रांसफर होता है ना एक चीज जब जो हम फिजिकल से हम बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल पूरा अब्स्ट्रैक्ट जो जो आप उसको फील कर सकते हैं सारे आप चले हम बेसिक चीज़ जैसे हम कुछ राइस है कुछ लाइट है न्यू लाइट जैसा कि एक एनर्जी जैसे ग्रो करना है एक फॉर्म धीरे धीरे कैसे अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है वो मर्ज हो जाता है तो इसलिए ये सारे जो फॉर्म आप देखते हैं राइस बेसिक चीज जहाँ एनर्जी मिलता है और धीरे धीरे वो मर्ज होता है ये सारी उनका पाप हो जाता है जो हम बता रहे हैं कैसे फिजिकल से स्पिरिचुअल तक उनका जर्नी वहाँ से ये उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। हाँ उनका क्रिएट किया तो सर इसमें क्या दिखा रहे हैं हम एक्चुअली जो बताया ना एक फॉर्म कैसे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लीन हो जाता है जैसे शिवलिंग में आते कि वो एक्चुअली मेल एंड फीमेल सेक्स का काम उनका रियलिस्टिक रूप में बताएं बनाएंगे तो वो फील नहीं कर सकते लेकिन इतना अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आता है उसको आप कनेक्ट कर सकते तो इस तरीके का जो फॉर्म है ना आप देखिए वो बेसिक फॉर्म से लेकर स्क्वायर ट्रायंगल ये सारे फॉर्म को लेकर वो मस्त करते हैं सर जहाँ पे दूसरे में जाएगा देखिए ये भी उसी तरीके की बस वही तीनों फॉर्म जो मेरे को लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश सर अच्छा कि उसको आप फील कर सकते हैं ट्रांसफर का एनर्जी जो और उसका स्मेल भी दे सकते हैं सर देखिए धनराज भगत की हम बात करते हैं तो यहाँ दिल्ली से क्या कनेक्शन था एक्चुअली दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट का निचोड़ मतलब जितना अभी आज जो स्टूडेंट सबको हम बुलाए थे कि मैं अभी भी बात कर रहा था उनसे थोड़ा हमको आवाज़ मिल जाए कि कैसे वो टीचर थे
टीचर ऐसे थे कि साहब उनका नाम भगत है, वो धनराज भगत, धनराज एक्चुअली वो धनी नहीं थे लेकिन धनराज थे और भगत भी थे, वो दोनों उनका बातचीत से हमें कि कितना वो स्टूडेंट को कैसे वो टीच कर रहे थे, इतना प्यार था। और कोई भी स्टूडेंट अगर उसका फेस नहीं होता तो खुद मर लेते, मेटेरियल नहीं बेटे ले ले। तो इतना मतलब जो हो सकता तो एक प्रॉपर टीचर हो सकता, और उस टाइम का बातचीत आपको उनका स्टूडेंट से मिलना, और सारी उनका जो छोटे छोटे मॉकेट से भी वो एक जगह आप देख सकते जो कि बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन वो जो लगे वो लाइट जला नहीं उसको जला लेता सर। ये भी उन्हीं का काम है, ये भी उन्हीं का काम है, लेकिन दोनों जब काम देखेंगे ना फिर आप उसको फील कर सकते। अच्छा सर यहाँ पे ये बताया, हाँ इसका मतलब छोटे छोटे लोग काम। तो सर धनराज भगत की हम ये जो प्रदर्शनी है सर ये कब तक चलेगी? ये 2 महीना तक चलेगी। 2 महीने तो लाइट चला रहा है ना लाइट का, तो 2 महीने तक ये प्रदर्शनी चलेगी। और यहाँ पर तमाम चीजों को आप देख सकते हैं, तमाम जो आर्ट फॉर्म है उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर धनराज भगत की जब भी बात होती है तो देश के ऐसे मूर्तिकार थे जिनको लोग हृदय से याद करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट थे वो भी आज याद करते हैं, और उस तरीके के टीचर की हमेशा ही जरूरत होती है जो आर्ट को बढ़ावा दे सके, उन चीजों को फील करा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्ट में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होता है कि सब कुछ चीजों का समावेश हो, हर चीज को समझाने और बहुत सी चीजों को फील करा सके, तो इस तरीके का काम है धनराज भगत का। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ दिल्ली, आज तक।